चलिए आज हम सीखेंगे कि डायमेंशंस कैसे लिखे जाते हैं। आप लोगों ने थियोरी क्लासेस में पढ़ भी लिया होगा, फाइन, कि देयर आर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। फाइन, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट। टाइम का सेकेंड। करंट का एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। एंड क्वान्टिटी ऑफ द मैटर इज मोल। एंड द नोटेशन विच वी आर यूजिंग फॉर द के जी इज एम, मीटर इज एल, सेकेंड इज टी, एम्पियर के लिए ए, केल्विन के लिए के, कैंडेला के लिए सी डी एंड मोल के लिए मॉल। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है। उससे रिस्पेक्टिव दूसरी जितने भी फिजिकल क्वान्टिटीज हैं वो सारी कैसी हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अब डिराइव्ड यूनिट्स कहाँ से आती हैं? फंडामेंटल यूनिट से ही बनती है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? एम वन एस माइनस वन। ठीक है, तो अगर इसका डायमेंशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, मीटर के लिए क्या नोटेशन यूज़ किया जाता है? एल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? मीटर के लिए नोटेशन लिखा एल। पावर क्या है? वन। ठीक है, टाइम के लिए नोटेशन क्या लिखा जाता है? टी। पावर क्या है? माइनस वन। फाइन, अच्छा, के जी है नहीं तो हम क्या लिखेंगे? एम जीरो। ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन द क्लोज इंटरवल। दिस इज अ मेथड टू राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी देख लीजिए। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसको हमने कैसे लिखा? मीटर वन एस रेस टू माइनस वन। सेकेंड को हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, अभी मीटर के लिए क्या नोटेशन यूज किया जाता है? एल। ठीक है, तो पावर क्या है? वन। सेकेंड के लिए नोटेशन टी। पावर क्या है? माइनस वन। ठीक है, केजी है नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ठीक है, तो जो हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं एमएलटी फॉर्म में उसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन पढ़ा है आपने 10th स्टैंडर्ड में। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एम वन एस माइनस टू। अच्छा, मीटर के लिए क्या नोटेशन लिखा जाता है? एल। पावर क्या है? वन। सेकेंड का नोटेशन क्या रहेगा? टी। पावर क्या है? माइनस टू। के जी है कहीं पे? नहीं तो हम क्या लिखेंगे? एम जीरो। इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलो देखेंगे, आगे एग्जांपल लेते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, पढ़ा है आपने। मास का यूनिट क्या होता है? के जी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, के जी के लिए क्या नोटेशन यूज किया जाता है? एम। चेक करेंगे, देखिए, के जी के लिए क्या नोटेशन यूज किया जाता है? एम। फाइन, सो हम क्या लिखेंगे? के जी के लिए नोटेशन लिखा एम वन। ठीक है, पावर वन है। मीटर के लिए एल। पावर क्या है? वन है। सेकेंड के लिए नोटेशन टी। पावर क्या है? माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कैसा लिखा जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को हमने डी लिखा है। अच्छा, मास का यूनिट क्या है? के जी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पावर एंड इंडाइजेस रूल यूज करके। के जी वन, मीटर वन प्लस वन तो क्या हो जाएगा? टू। ठीक है, पावर ऐड कर देंगे, एस रेस टू माइनस टू। अच्छा, के जी के लिए क्या नोटेशन? एम। ठीक है, पावर वन। मीटर के लिए क्या नोटेशन? एल। पावर टू। सेकेंड के लिए क्या नोटेशन? टी। पावर माइनस टू। ठीक है, अच्छा, वर्क ये ध्यान रखना है, वर्क के साथ, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी नो दैट। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जीज होती हैं जनरली, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सबके डायमेंशंस क्या होंगे? एम वन एल टू टी माइनस टू। वी कैन चेक इट ऑल्सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जैसे प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। ठीक है, वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बट डायमेंशनली दे आर सेम। ठीक है, सो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास का यूनिट के जी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर। फाइन, सो के जी वन, एम रेस टू माइनस वन, एस रेस टू माइनस टू। ठीक है, सो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। नोटेशंस चेक कर लीजिए, के जी के लिए एम, ठीक है, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मे बी हमने ये
अननोन क्वांटिटी अभी हमारे लिए, लेकिन टाइम बीइंग आपको फॉर्मूला याद रखनी है डायमेंशन के लिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या हो लिखा जाता है जनरली, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल का यूनिट भी मीटर, लेंथ का भी यूनिट मीटर, ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका पावर वन, इसका पावर वन, सो एम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एम ज़ीरो मीन्स एल ज़ीरो, मास भी नहीं है टाइम भी नहीं है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। अच्छा, लीनियर मोमेंटा ये भी पढ़ा है हमने, मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट के जी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। के जी के नोटेशन एम पावर वन, मीटर के लिए नोटेशन एल पावर वन, सेकेंड के लिए नोटेशन टी पावर माइनस वन। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम होता है, जनरली ये रोटेशन मोशन में यूज़ किया जाता है, लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। मास का यूनिट के जी, मीटर का वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस मीटर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, के जी वन एम रेस टू टू एस रेस टू माइनस वन। सो व्हाट वुड बी द डायमेंशन फॉर्मूला, एम वन एल टू टी माइनस वन, ठीक है। के जी का नोटेशन एम, एम का एल, एस का टी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये भी हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हुई है टेंथ में, ठीक है। इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अभी मैंने बताया था वर्क क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। सो इट इज़ वर्क इज़ अल्टीमेटली फाइंड, इट इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मैंने फोर्स लिखा है, इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, फाइन। एम इंटू ए इज़ फोर्स, यस। मास इंटू एक्सेलरेशन इज़ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। करंट इंटू टाइम, ठीक है। अब मास का यूनिट के जी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, फाइन, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, अल्टीमेटली एक मीटर और आएगा, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मीटर, करंट इज एम्पियर एंड टाइम इज सेकेंड, ठीक है। तो डायमेंशन कैसे बनेगा, के जी वन, एम वन एंड वन, सो इट बिकम्स टू, ठीक है। के जी वन एम टू एस, एस क्या हो रहेगा, देखिए एक नीचे है तो माइनस थ्री, ए माइनस वन, ठीक है। सो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। उसी तरह से रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डायमेंशन देखिए ऊपर ही लिखा हमने, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और नीचे देखिए करंट इज एम्पियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एम वन एल टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस टू, ठीक है। एक माइनस इधर है और एक वन इधर है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है। सो एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू इज अ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ, फाइन। देन वी हैव द सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क का डायमेंशन हमने देखिए ऊपर ही लिखा है, एम वन एल टू टी माइनस टू, है कि नहीं, फाइन। सो हम क्या लिखेंगे, सो दिस बिकम्स एम वन एल टू टी माइनस टू, और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स एम वन एल ज़ीरो टी माइनस टू, ठीक है। उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन हमने ऊपर लिखा है, देखिए एम वन एल वन टी माइनस टू, देखिए एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है। उसको भी आप मास इंटू एक्सेलरेशन से कर सकते हैं। डिस्टेंस इज एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो, एरिया इज एम ज़ीरो एल टू टी ज़ीरो, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन, सो अल्टीमेटली व्हेन यू सॉल्व दिस यू कैन सी दैट एम ज़ीरो एम ज़ीरो एम ज़ीरो विल गो अवे बिकॉज एनी नंबर रेज़ टू ज़ीरो इज़ वन। सो यहाँ क्या रह गया, एम वन, एल कहाँ है, देखिए एक एल इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया एल वन और नीचे एल टू, ठीक है। सो टू ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, और टी क्या रहेगा, माइनस टू यहाँ है और माइनस वन यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एम ज़ीरो दिस इज एल, माइनस टू यहाँ है और ये माइनस वन है, तो इट बिकम्स माइनस टू प्लस वन, सो दिस बिकम्स वॉट, एम वन एल माइनस वन एंड टी माइनस वन। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
माइनस टू यहाँ है, माइनस वन यहाँ है, ऊपर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, सो दिस बिकम्स माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, सो एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है, ये माइनस टू प्लस वन, सो इट बिकम्स माइनस वन, सो दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नाउ आई विल गिव यू सम वर्क फाइंड फॉर द असाइनमेंट सो दैट यू कैन डू इट एंड try to do this assignment, fine, and if you have any problem please write it down in a comment box, fine, so that I will help you out, fine, so please try to do this, thank you.